नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के बकाया एरियर का 2 हफ्ते में होगा भुगतान। हाई कोर्ट ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारियों को अपने बकाया एरियर को लेकर जो इंतज़ार था वो अब इंतज़ार खत्म होने वाला है। ताज़ा जानकारी के अनुसार जल्द ही कर्मचारी के बकाया एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट ने कर्मचारी के भुगतान के लिए बैंकों को 2 सप्ताह का टाइम दिया है, जिसका फायदा 650 कर्मचारियों को होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड ATL के कर्मचारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जल्द बकाया एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों तथा बैंकों के भुगतान के 2 हफ्ते का समय दिया है, जिसका लाभ 650 कर्मचारियों को मिलेगा। दोस्तों, दरअसल 1981 में स्थापित यूपी के प्रतापगढ़ जनपद के कटरा मेदनीगंज में स्थित ATL ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने कारखाना बंद होने और बकाया का भुगतान न होने पर कई आंदोलन और धरना प्रदर्शन किए, जिसके बाद 1999 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वादा दायर किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने बकाया जमा करने के लिए जमीन बेचने को लेकर जिला अधिकारियों को मूल्यांकन करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद समिति ने जमीन का मूल 600 करोड़ रुपए तय किया था। जमीन न बिकने पाने के कारण सांसद संगत लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति ले ली और पूरे प्रकरण पर मंथन के बाद उद्योगों का कायाकल्प के लिए सरकार ने 67.97 करोड़ के बकाया चुकाने की हां भी भरी। दोस्तों, अब इसमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिए जाएगा और सरकार की तरफ से अब इन कर्मचारियों को बकाया का भुगतान किया जाएगा, जिसमें लगभग 650 कर्मचारियों को लाभ होगा। हाई कोर्ट ने कर्मचारी तथा बैंकों के भुगतान के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।